to the weekend quarterfinal on India's Laughter Champion and I'm your host Rochelle Rao. आपने laughter का घमासान देखा, लेकिन results अभी बाकी हैं मेरे दोस्त, क्योंकि बाकी चार और performers पेश करेंगे अपना laughter application. किसका होगा semi-final में selection? Without further ado, let's call on our performers. आज आपकी हंसी बढ़ाने आ रहे हैं जे विजय सचान फ्रॉम मुंबई, हेमंत पांडे फ्रॉम कानपुर, विघ्नेश पांडे फ्रॉम मुंबई एंड रामेश्याम भारती फ्रॉम प्रयागराज यूपी. लेट्स हियर इट फॉर आवर क्वार्टर फाइनलिस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन. सो टू किक स्टार्ट द शो आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज एक मिनट, आप कौन हो? आप मुझे नहीं पहचानते? एंकरिंग करने लगी हो, लॉटरी लग गई है तुम्हारी. मुझे लग रहा है आई सॉ यू समवेयर. मुझे लग नहीं रहा, तुझे पता अंदर से बोल नहीं रही है. हाउ आर यू? ओहो, हैप्पी हैप्पी हैप्पी. वक्त से पहले आ गया मैं. हाँ. मुझे हर जगह लेडीज एंड जेंटलमैन वक्त से पहले पहुंचने की आदत है. अच्छा. मैं मम्मी पापा की सुहागरात के टाइम भी मौजूद था. एंड मेडिकल इंडस्ट्री का फेस होने के नाते yes. आज मेरे पास कुछ केमिस्ट लोग आए, कहते डॉक्टर साहब लाफ्टर चैंपियंस जब से शुरू हुआ है तब से हमारी दवाइयां नहीं बिक रही, बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. कहने लगे आप इतने सीनियर हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए. मैंने कहा नो सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज ये शो मैं भी देखता हूँ, बड़ा पसंद करता हूँ. एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों बाद इतनी सारी ऑडियंस देख के. अरे शेखर साहब नमस्कार. 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 वैसे मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं बना हूं. यू नो मुझे क्विकेस्ट डॉक्टर बनने का अवार्ड मिला है. अच्छा. अच्छा. मेरे चेयरमैन वगैरह सॉरी वॉचमैन ने उन्होंने दिया है मुझे अवार्ड. मैंने कुर्ला स्टेशन से एक किताब खरीदी थी 24 घंटे में डॉक्टर कैसे बने, और मैंने 22 घंटे में फिनिश कर दी थी वो किताब. पूरी पढ़ी भी नहीं थी उससे पहले पहले मैं डॉक्टर बन गया था. एंड यू सी तो शेखर साहब आपको पता है मैं पूजा नहीं करता. अच्छा. मैं अर्चना करता हूँ. शेखर साहब आप पहुंचाएंगे मेरी बात. मैं पहुंचाऊंगा डेफिनेटली. थैंक यू. ऑनर्ड. सीना छलनी कर दिया, खाली मेरा ब्रेन कर गई. हाय हाय. सीना मेरा छलनी कर दिया, खाली मेरा ब्रेन कर गई. रशिया बन के आए मेरी जिंदगी में यूक्रेन कर गई. मशहूर. हाय. आपको पता है क्या, रात में जब मेरा टीवी बंद होता है तभी भी मुझे आपकी हंसी की आवाज आती है. दिल में. कैन यू स्माइल फॉर मी प्लीज? क्या मैं आपकी स्माइल पास से देख सकता हूँ? हाँ जरूर. वाह.
और पास नहीं मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या आप मेरे फोन में अपना लाफ्टर रिकॉर्ड कर सकती हैं प्लीज? क्या रिकॉर्ड? इसे मैं अपना वेक अप अलार्म बनाऊंगा। सर, कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द ब्यूटी ऑफ मड आइलैंड? मशहूर साहब, आप देख रहे हैं डॉक्टर से ज्यादा मरीज बनते जा रहे हैं, और इनको तो वैसे जो कुछ पर्सनालिटीज होती हैं उनको तारुफ की जरूरत नहीं होती, और इनकी आवाज तो मडालिन से माशाल्लाह पूरी दुनिया तक पहुंचती है। अपना खुद का परिचय यही है, यही अपने आप में ऊपर से नीचे तक अपनी तारुफ। अच्छी हिंदी बोलते हैं आप। आपको लेडीज एंड जेंटलमैन बताऊं, शेखर साहब और मैं सेम हॉस्पिटल की पैदाइश है। जब ही शेखर साहब पैदा हुए, इन्होंने तो नर्स को भी कह दिया था, आप डिलीवरी की होप हो, मैटरनिटी की ये वो वाली, ये इधर वाली है, होप हो तो इधर। छोटे से थे, प्यारे से उस वक्त, लेकिन ऐसा ही बोलते थे। फिर इन्होंने डायपर में सुसु कर दिया। यस मशू। नहीं नहीं, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। नहीं, मैं एक तरफ मश, एक तरफ हूर। इश्क यहाँ पर और किस वहां पर, वाह, ये कैसा। इज इट अ हिंट? इज इट अ हिंट? इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। समझो। Yes, darling. आपने विस्की पी हुई है? चाय, चाय। हमारे 30-30 गुण मिल रहे हैं। मैं भी बहुत शौकीन हूँ। ठीक है। ये क्या है? मक्की के दाने। कौन? कौन? इसके अंदर डाल दीजिए। हम कौन ही दाने हैं? कौन? हम आपके हैं कौन? आ हाँ। वाह। ये पहले सिर्फ कौन थे, आपने छुआ। इनकी आइडेंटिटी बदल गई, ये पॉप कौन हो गए। Thank you, Mashu. मुझे मत छुइएगा, मैं जल जाऊं। Oh God. Hi, this is Dr. Mashur Gulati. Nice to meet you, PM. Mashu. PM? PM मतलब? Pinch me, I can't believe. Oh! बहुत बदमाश है। Dr. Gulati, आप इधर आइए, आप सरपंच बनना है। आ जाओ। I'm here. Watch, watch, watch. Gir mat jaiye yaar. Gir mat jana. And now it's time to meet the nautanki jodi of our show, Shararati Anna aur our bechara Vignesh Pandey. Please welcome them with a huge round of applause. Thank you. Hey Surinder, tere item tere ko chhod ke gayi kya? Kyun? Tata ji! हो गया। नहीं तो हुआ होता तो तू क्या कर लेता। हेलो शेखू। हेलो। बहुत दिनों के बाद। यस। हेलो शेखर।
उधर का हेलो नमस्ते कुची तुची लव यू शोना नोना सद नेरा है समझा? तुम ये नहीं कर सकती इनके साथ। एक तो मेरा जब भी टाका धिरता है ना ये तांडे पहले जलता है। मैं क्यों जलूंगा? क्योंकि तेरे को कोई लड़की भाव वाव नहीं देती है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पे भी बहुत सारी लड़कियां मरती हैं। मरती होंगी, तेरी शक्ल देख के तो बकरी मर जाए। बकरी मर जाए। हेलो अर्चना जी। देखा देखा कैसा बेइज्जती होते टॉपिक चेंज करता है। मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्चना जी को हेलो कर रहा हूँ। वो आत्मनिर्भर औरत है, वो अपना हेलो हाय नमस्ते सब खुद घर से करके निकलती है। ठीक है तो मैं रोशेल से बात कर लेता हूँ, मैं वैसे भी उनका फैन हूँ। वैसे मैं भी रोशेल की फैन हूँ। हाँ, ये उस दिन भुट्टे वाले के पास जाती है और कहती है भैया मुझे एक हैंडल वाला पॉपकॉर्न दे दो ना प्लीज। हैंडल वाला पॉप, सॉरी। एक बात बताओ मेरे को, मैं अर्चना जी को नमस्ते नहीं करूं, शेखर सर को हेलो नहीं करूं, रोशेल से बात नहीं करूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूं? तेरे को जो भी करना है तो सुरेंद्र के साथ कर। उनको ऐसा मत बोलो, वो गुस्सा हो जाएंगे। ये क्या है रे, ये उनको ऐसा मत बोलो, इनको ऐसा मत बोलो, जरा से कोई मजाक कर दे तो कोई भी दुरा मान जाता है। ऐसा करेंगे कौन है यार? थोड़ी छेड़छाड़ होनी चाहिए या नहीं? तो हमें समाज बदलना होगा भाई और देनो। समाज को बदल डालो। छेड़छाड़ से प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, छेड़न छाड़ त्यारम त्यार। छेड़न छाड़ त्यार, अरे ये तो नारा बन गया, सदलग चिल्लाओ छेड़न छाड़ त्यारम त्यार, छेड़न छाड़ त्यारम त्यार, छेड़न छाड़। आराम से छेड़न छाड़, अरे आराम से छेड़न छाड़। है ना ए, ए, है ना? ओ। ए, है ना उठ जा यार, ऐसा मत कर। तू ठीक तो है ना? द शो मस्ट गो ऑन। हाय हाय। थैंक यू एना। एना तो है ना? कौन है ना? कौन है ना? ये ऐना कौन है? शुक्ला। ये शुक्ला कौन है? ऐना तू है शुक्ला? मैं शुक्ला नहीं, मैं पांडे हूँ। तो शुक्ला कौन है? एक मिनट, ये शुक्ला पांडे, ये तेरे को हो क्या गया है? अरे ये दिखता नहीं क्या? नीचे गिरी तो तुम्हारे याददाश्त चली गई है। तो कितना नल्ला है रे त्रिवेदी। मैं त्रिवेदी नहीं हूँ। ए मेरे रणधीर कपूर, जरा समझा इस गुत्ता को। ए मैं, एक मिनट, पहले तो वो रणधीर कपूर नहीं है। अगर मैं आलिया हूँ तो रणधीर कपूर हुआ ना। तुझे किसने बोला आलिया? ये तू चुतकर कालिया। मुझे इसको ठीक से समझाने दो पहले। सुनो, तुम आलिया नहीं हो, वो रणबीर नहीं है। मगर ये तो दारा सिंह है ना। कौन दारा सिंह है? दारा सिंह, वो तारा सिंह नहीं है। यहाँ किसी को भी पूछ ले वो तारा सिंह। तू किसी को भी पूछ ले। ए तदला छोड़, जाकिर हुसैन। और बता दे यहाँ के तमाम जनता को कि ये खली है या नहीं। खली कौन है बेबी? अरे ए, तुमने बोला दारा सिंह। कौन दारा सिंह? अरे वो जो वहाँ बैठी है वो दारा सिंह। शर्म नहीं आती? खाके पीते ठूसती हुई औरत के बारे में ऐसा कहते हुए। ए, ए, ए।
अर्चना कुरन सिंह जी हैं। देखो वो अर्चना पूरन सिंह जी तो हैं। तो तेरे को माननीय और श्रीमती ने डाउट है कहाँ से कहाँ लेके जाते हो? एक मिनट, वो डाउट नहीं है मेरा। तो क्या डाउट है तेरा? वाजपेयी? अरे मैं वाजपेयी नहीं हूँ। एक मिनट यार, ये कितना है? पांच। वो कौन है? शेखर सर। वो कौन है? अर्चना जी। तुमने तो बोला तुम्हारी याददाश्त गई है। याददाश्त है ना कि गई है? मैं शीतला देवी हूँ। एक मिनट, ऐना जब आएगी तब आएगी। अभी हम शीतला देवी से बात करते हैं। कर ना दिनदास कर। मुझे बताइए शीतला देवी अब क्या करती हैं? मैं कुछ भी करूँ तेरे को क्या? मेरे को आज तक मेरे हस्बैंड ने नहीं पूछा। ओ हस्बैंड मतलब आप शादीशुदा है? नहीं, मैं कुंवारी हूँ खोतड़ी के। जब हस्बैंड है तो शादी हो गई होगी ना? आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रही। आप मुझे आपके बारे में कुछ और बताइए ना, आपकी कहानी बताइए। बहुत ही दुखद कहानी है। बताइए। बताइए। भूल गई। लो अब शीतला देवी भूल गई। कौन शीतला देवी? अरे तू शीतला देवी? ए तू स्टेज के पीछे से दो तीन लगा के आया क्या? मैं ऐना हूँ। ऐना? तू ऐना है? हाँ। मैं कौन हूँ? तू अपने हिसाब से लगा ले। वो कौन है? वो मेरा शेखू है। हाय हाय। और वो कौन है? वो तू अपने हिसाब से लगा ले। और वहाँ तबले पे? वो अपने हिसाब से लगा हुआ है। क्यों सुरिंदर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे हाँ बोल रहा है ना वो। जब तक तगला नहीं धजा तो कन्फर्म नहीं होता है ना। अच्छा मैं ऐना की बात समझ गया। अब क्या समझ गया? तो डेढ़ शाणे के सुरिंदर को छेड़ना जरूरी है। अरे सिर्फ सुरिंदर को नहीं छेड़ना है। अच्छा शेखर जी और अर्चना जी को भी छेड़ना है? अरे इनको तो छेड़ छेड़ कर दौड़े दौड़े कॉमेडी शोज बनते हैं। बस एक बात सीखने जैसी है हमारे पूरे देश को कि इतना छेड़ते हम लोग इनको फिर भी ये हंसते हैं, खुश रहते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। इसीलिए दोस्तों छेड़ो छाड़ो मजा करो, मगर किसी के हंसी के लिए, ना कि किसी को दुखाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। We are extremely, extremely proud to have you on this show. You are really a rare gem. It's fantastic to have you. Yeah. और Anna, Anna के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। She is such a lovable, cute character, so affable. The script was brilliant. If you have written it, kudos to you. If someone else, still kudos to you because you were able to kind of translate that on stage in such a beautiful way. ये act सिर्फ मेरा नहीं है, एक इंसान और एक टीम भी जुड़ी हुई है, but primarily एक इंसान जो इसमें बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो राजीव निगम सर हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। राजीव, three cheers to Rajiv. Thank you so much. Thank you so much for entertaining us. It was absolutely an epic performance. Thank you so much. विग्नेश, तुमने सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं दी यहाँ पर इस मंच पर, आपने दो दो परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक आपने, लेकिन आपसे कहीं बेहतर, आई एम सो सॉरी टू से, ऐना ने, यू नो, उसका एटीट्यूड कमाल है। शी इज सैसी, शी इज चीकी, शी इज इररेवरेंट, दैट इज वाई शी इज माइंड ब्लोइंग। आपने वो सब इस कैरेक्टर में डाला, इसीलिए यह कैरेक्टर आपके कैरेक्टर से भी बढ़कर निकलता है। बट यू आर अ परफेक्ट फॉयल फॉर ऐना, इसलिए आप दोनों की जुगलबंदी कमाल की बनती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आई वांट टू गिव स्टैंडिंग ओवेशन टू अर्चना जी'स कमेंट। वाओ, बहुत अच्छा कमेंट दिया। डॉक्टर साहब, आप एक मरीज यहाँ पर तैयार मत कीजिए। हाँ आपको पता है मैं रिकॉर्ड कर करके आपके कमेंट दोबारा दोबारा सुनता हूँ।
सारे एक्ट में देखता रहा मैं आपको विग्नेश के सारे एक्ट में आप ऐसे ऐसे हाथ रख के हंसती हैं आप. आपने नेकलेस पहना भी नहीं हुआ, कौन चुरा के ले जाएगा आपका नेकलेस. लेकिन विग्नेश आपको पता है ना, मैंने ना एज ए डॉक्टर मेरे पास बड़ा टाइम होता है. तो मैंने ये ट्राई किया है. अच्छा अच्छा, मेरे को बहुत बाद में पता चला कि पुतले में हाथ डालते हैं. हाँ, फिर मैंने एक आदमी के साथ ट्राई कर लिया था. फिर क्या हुआ? मेरे को मारा उसने बाद में. बाद में पता चला तो फिर मैंने एक सॉक्स लिया और उसके साथ किया मैंने ऐसे करके. पर मेरे से को लोग ना खुश नहीं हो रहे थे. क्यों? लोगों को लगता है मैं मुंह हिलाता हूँ. विग्नेश का पता नहीं चलता, लोगों को मेरा पता चल जाता, हालांकि मैं नहीं हिलाता. अच्छा, मैं जब बोलता हूँ तब भी इसका मुंह हिलता है. मेरा ये कोऑर्डिनेशन नहीं आता ठीक. बाकी मेरा ठीक रहता है सब. जब कहाँ जा रही है तो मैं मार्केट जा रही हूँ. अच्छा, मैंने एक दो बार बर्थडे पार्टी में ऐसे भी ट्राई किया, किधर जा रही है तो मैं मार्केट जा रही हूँ. हालांकि आवाजें हमारी दोनों की अलग अलग है. अलग अलग है. बट बच्चों ने मेरे को मारा. मारा? बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ये वेंट्रलोक्विस्ट. वेंट्रलोक्विज्म. हाय अर्चना जी. यस. मैं आपके साथ लंगड़ी खेल सकता हूँ? सबके सामने. यस. लंगड़ी सबके सामने खेलते. ये तो सब करेगा मशहूर. मुझे सच में लंगड़ी खेलना है आपके साथ. कभी और सही. डॉक्टर गुलाटी. हाँ जी. वापस. मुझे बहुत अच्छा लगा एना. थैंक यू. आई लव यू एना. थैंक यू. आई लव यू टू. अब वक्त है कहने का कि आप विग्नेश और एना कॉमेडी की होप हो, लाफ्टर की तोप हो. Give it up for Vignesh and Anna. बॉलीवुड के स्टार्स को लॉकडाउन में डालकर इन्होंने रिलीज किया ह्यूमर का एक नया चैप्टर. प्लीज वेलकम द मैन विद मेनी वॉइसेस, जे विजय सचान फ्रॉम मुंबई. मिस ब्रिगेंजा. हाय राहुल. आप आज भी नहीं बदली, उतनी ही खूबसूरत हैं. और शेखर जी, आपका तो कहना है क्या, दिन पे दिन जवान होते जा रहे हैं. और आप लोग तो जानते ही हैं कि आई एम द किंग ऑफ बॉलीवुड. और मेरे पास खुद की अपनी क्रिकेट की टीम है. तो बच्चन साहब के बच्चों ने भी बच्चन साहब से जिद की कि वो भी अपने लिए एक क्रिकेट की टीम ले लें. और आप तो जानते हैं, बच्चों के जिद के आगे तो हर कोई झुक जाता है, चाहे वो बच्चन हो या शाहरुख. हाँ. बच्चन साहब आज खुश तो बहुत होंगे आप. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी. ये आपका प्यार है, बड़प्पन है. अब अर्चना जी, टीम इनकम्प्लीट है जब तक कि कोच नहीं है. अब बच्चन साहब ने टीम का जो कोच रखा है वो हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान. क्योंकि आजकल उनसे ज्यादा फारिक कोई नहीं है. अब मैच के ठीक एक दिन पहले सभी प्लेयर्स के साथ में बैठ के स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं इमरान. देखे जी, सबसे पहले तो वाह वाह वाह, वेरी नाइस, माय गॉड, वेरी गुड. आपने घबराना नहीं है. वाह. आपने मैदान में जाके ब्लास्ट कर देना है. वाह. आपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देना है जी. साहब, मेरे को मालूम नहीं था कि क्रिकेट इतना डेंजरस गेम हो गया है.
अखिल जी, क्रिकेट तो पहले से ही बड़ा खतरनाक गेम रहा है। आपको क्रिकेट को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्या बात कर रहे हो साहब, अपने को गहराई का बहुत आइडिया है। जब भी नाली पे डीप बॉल जाती थी ना, अपन सटक सटक के फटक से निकाल के लाता था। देखे, मैंने टीम का बैटिंग ऑर्डर तय किया है और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले ओपनिंग बाहुबली से कराएंगे, क्योंकि साउथ वालों की ओपनिंग बड़ी कमाल की चल रही। वहां पर छट्टी साहब एकदम बेचैन हो गए। इस लॉजिक से तो बैटिंग मुझको ही करनी चाहिए, ओपनिंग तो सिर्फ मैं ही करूंगा, बच्चन साहब ने मुझसे वादा किया है। देखे, जो बैटिंग करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पिच की और मिट्टी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ओपनिंग कर पाएंगे। पिच और मिट्टी के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। ये धरती मेरी माई है और राहुल मेरा जमाई है, इस लॉजिक से ओपनिंग तो मुझे ही करनी चाहिए। वाह वाह, देखें आप यहां बैठे हैं, आप कप्तान के साथ बात करें। पुष्पा, आपके लिए एक बड़ी जरूरी बात है, आपको मैदान में सीधे चलना है, आपको मैदान में ऐसे ऐसे करके टेढ़े नहीं चलना है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और आपको एक बात बड़ी ध्यान से समझनी है, मैदान में खेलते वक्त जब भी गेंद आपके टांगों के बीच में आए तो आपने उसे झुक के उठाना है, आपने ये नहीं बोलना मैं झुकेगा नहीं साला। ए, पुष्पा नाम सुन के सिर्फ बॉलर समझा क्या, ऑलराउंडर है मैं साला। आपने सबसे पहले ये दाढ़ी कटानी है क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है। अब अर्चना जी सोचिए, सोच रही हूँ, जिनकी ऐसी टीम है तो ऐसे लोगों का मैच कैसे होगा। अब मैच का दिन आ गया, कमेंट्री बॉक्स में बैठे खरबंदा जी और मैच चल रहा है, वानखेड़े स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, बॉलीवुड 11 ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया है। टीम को मैच जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। सिचुएशन एकदम टाइट है। बच्चन साहब, आपको क्या लगता है कि टीम प्रेशर झेल पाएगी? देखिए भाई साहब, टीम का तो नहीं पता हम, लेकिन हमको लगता कि उससे ज्यादा आपका प्रेशर टाइट है। आप कुछ लेते क्यों नहीं है? हाँ, कुछ लीजिए। और प्रेशर के बारे में परेशान मत होइए, हमारी टीम में जब भी आवश्यकता पड़ेगी टीम के लोगों के बीच में मोटिवेट करने के लिए हमारे पास खान साहब मौजूद है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करना था शाहरुख जी, आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आराम से होगा ये सब। अब अर्चना जी, अब मैच चल रहा है, मैच अब ऐसी सिचुएशन में आके फंस जाता है जहां पर बाबू भैया की लगातार चार गेंदों पे चार छक्के पड़ जाते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं। वो जाते हैं राजपाल के पास में जो कि विकेट कीपर हैं और उनके साथ में बैठ के स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं। राजपाल, ये राजपाल, अरे देख ले स्थानों को, ये तो साला मेरा क्रिकेट का करियर शुरू होता ही खत्म कर देता। देख साले को मेरे को कैसे घूर रहा है, एक तो साला ये कुतुब मीनार जैसा लंबा है, शॉट मारता है तो मेरा कलेजा कांप जाता है। अब तो ही मेरा क्रिकेट का डूबता करियर बचा सकता है। अब तू एक काम करना, जब मैं अगली बॉल डालूं तो इस साले का पीछे से बल्ला पकड़ लेना। मैं स्केल को पेल दूंगा। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं पीछे से बल्ला पकड़ लूंगा और अगर ये आउट नहीं भी हुआ तो साला हिट विकेट हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है।
और यहाँ पे परेश भाई अगली बॉल लेके तैयार, और उन्होंने गेंद डाल दी है गेल को, और ये घुमा के शॉट मार दिया है गेंद ने, और ये गेंद हवा में जा रही है। अरे वो गेंद नहीं आए, अरे अरे गेंद तो यहाँ पर आई, अरे वो राजपाल आए, अरे 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 बहुत अच्छे। अब राजपाल वहां पर दर्शकों के बीच में बैठे नाना की जाके सीधे गोदी में गिरे। अरे वाह 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 वाह, क्या तरीका है, जहां पर बॉल आनी चाहिए पूरा का पूरा आदमी आ रहा है। अरे कैसा खेल है ये तुम्हारा, हाँ अरे क्या तरीका है, ये किस किस्म का गेम है तुम्हारा, जो गेंद आगे से पकड़नी चाहिए पीछे से पकड़ रहे हो, इंसानों को जीतना है कैसे जीतोगे। कंट्रोल उदय कंट्रोल, मेरे से कंट्रोल नहीं है कंट्रोल। शेखर जी यहाँ पे बहुत दुनाई होती है। अब अगली इनिंग इनकी बॉलीवुड 11 की स्टार्ट होती है, और जैसे ही इनिंग स्टार्ट होती है शुरुआत की कई खिलाड़ी वहां पर ताश के पत्तों के चले ढह जाते हैं। नवाज वहां जो है क्रीज पर मौजूद है, और लगातार चार गेंदें निकल गई हैं और उन्होंने एक भी शॉट नहीं मारा। अब अगली बॉल जो है रसल अपना वहां पर लेके तैयार हो गए, और यहाँ पे बड़े मियां रसल बॉल लेके तैयार, छोटे मियां नवाज पल्ला लेके तैयार, बड़े मियां रसल ने बॉल डाल दी है। ये गेंद तो डायरेक्ट हमारे नवाज के दोनों टांगों के बीच में लग गई। अब नवाज अगली बार खेलने को तैयार नहीं है, क्या अभी मेरे को नहीं खेलना है, वो बिल्कुल परेशान है। अब बच्चन साहब परेशान कि ये आदमी माने कैसे मैं जीतना है, तब वो खान साहब को बुलाते हैं कि मोटिवेट करें आके। आप इधर पे हंस रहे हो, अरे आपको मालूम है इसी जगह पे बॉल मारा कि मौत को टक से छू के एलए में नहीं जाएगा, मैं नहीं जाएगा। चुप रहो, हाँ मेरी बात सुनो, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं। क्या बात, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। क्या बात, तुम पास नहीं होते तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूं, हर घड़ी हर पल। मेरे नैना बस मेरी नवाज को ढूंढते, इसे प्यार कहूं पागलपन या मेरे दिल की धड़कन मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम सिर्फ मेरे हो। अरे भाई ऐसा वैसा आदमी नहीं है मैं। मैं तो खाली दर पे क्रिकेट खेलने आया था। बीच में नहीं बोलने का नवाज, हाँ बीच में नहीं बोलने का। आज मैं तुम्हें यह बताने के लिए नहीं आया हूं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे खेलना है। अरे मेरे को जाने का ही नहीं। अभी देखो उस रसल को, साले के जूते का साइज ऐसा है कि एक राजपाल उसमें आराम से सो सकता है। अरे तुम नवाज कैसी बातें कर रहे हो, अरे देखो दर्शकों के बीच में पूरा बॉलीवुड तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम्हें चीयर कर रहे हैं। ओए पुत्र उठ जा यार, तो ही हमें ये मैच जिता सकता है। अरे लेटा क्यों है, उठ खड़ा हो और शॉट मार के हमारी टीम को जिता। अरे मार, हाँ तू ही जिता सकता। अरे गन्ना चूस कर, अरे मेरा नवाज तू ही जिता सकता है। अबे गुरु एक बात सुन लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल। अरे क्या बात है, अबे लल्ला तुम हमारी होप हो, जय होप ऐसे नहीं तोड़ सकते। अरे उठ खड़े अपने पैरों पर और लल्ला मार के शॉट जिता दे, ये मैच गुरु तुमसे उम्मीदें हैं, समझ लो ना। अबे उठ, अरे उठ जा बेटा, अरे तुलना तुलना हाय उठ जा, अरे अरे उठ जा नवाज तू ही कर सकता है, अरे धक चिक्की धा। अब एकदम जोश आ जाता है नवाज के अंदर, एकदम उठ खड़े होते हैं। बहुत अकड़ है ना तोहरा में रसल, बहुत शान है ना तोहरा में, देख जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या बात है, बच्चन साहब आप मेरे को छोड़ो, आप जाके माइक संभालो, मैच को संभालता है। डाल रहे बॉल, देवियों सजनो मैच की आखिरी बॉल, और रसल ने यहां पर लिया एक लंबा रनअप, और ये गेंद डाल दी है नवाज को, नवाज ने घुमा के मार दिया शॉट, और ये गेंद हवा में जा रही है।
और यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जा चुकी है और अब जीत चुके हैं ये बॉलीवुड 11 द सुपर गेम। अरे वाह, अर्चना और मैं हंस हंस के हमारा दम फूल गया। हम मरने वाले थे, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, और लेकिन फिर भी हम हंसते गए। इतनी एनर्जी के साथ इतने सारे कैरेक्टर्स हम देख गए, इतने सारे सिचुएशन हम देख गए, इतने बखूबी निभाना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान में किसी माई के बाप में बेटे में दादा पर दादा किसी में दम नहीं है जो तुमने किया। और ये मंच धन्य हो गया है तुम्हें पाकर। मैं ये ऐड करना चाहती हूं कि मिमिक्री एक खास जॉनर है जो बहुत कम लोग अच्छी तरीके से कर पाते हैं। एंड आई हैव टू सल्यूट यू स्पेशली फॉर इमरान। थैंक यू सो मच। और आपके इस एक्ट को देखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि आप कॉमेडी की होप हैं और लाफ्टर की तोप हैं। मशहूर, आपने देखा, आपका क्या ख्याल है? मैं तो कब से देख ही रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं बोलिए। देखा भी, सुना भी और इतना मजा आया। कहाँ से निकाल लेते हैं इतनी आवाजें? और इतनी सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, आप तो फिल्म फेयर अवार्ड करा सकते थे। मैं भी ट्राई किया है। एज ए डॉक्टर मेरे पास टाइम बहुत होता है, तो मैंने ट्राई किया है। पर ये गेम है ना, जो आवाजें निकालने वाली है, ट्रस्ट पे बेस है बहुत। अच्छा, इसमें ऑडियंस को आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती है। मैंने देवगन साहब की आवाज निकाली, मैंने कहा झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, ऑडियंस मानने को तैयार नहीं है। शेखर साहब, मैंने ऐसे भी किया, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, नहीं मान रही ऑडियंस। मैंने सलमान साहब की आवाज़ निकाली, मैंने कहा एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं। बट एनीवे, मेरा ट्रस्ट आपने हासिल कर लिया है। अरे थैंक यू सो मच, एंड यू आर सो गुड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, लेट्स हियर इट फॉर हिम वन मोर टाइम, लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच। सर, हाँ, आपने कहा था कि वो बर्थडे सरप्राइज प्लान देने के लिए, वो कब देंगे सर? तो सरप्राइज के टाइम आना है, ऐसे ऐसे देता कोई सरप्राइज? तो ये ना है क्या, ये लोग कान पे बीड़ी लगा के घूमते हैं क्या? इनको पता नहीं चलता है क्या सरप्राइज कैसे होता है? तेरे को आके कहना चाहिए हैप्पी बर्थडे। ओ हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज आप लोगों ने किया। यस, व्हाट अ सरप्राइज। चलो कोई नहीं, रिजल्ट हो जाते हैं। मैं आया रोशन। दारू के नशे में अब लड़ेंगे खंभे से और खंभे को कहेंगे माफ करना, लेकिन लाफ्टर के नशे में आप सीखेंगे दिल को साफ करना। अपने कॉमेडी से आपके दिल पर राज करने आ रहे हैं राधे श्याम भारती फ्रॉम प्रयागराज यूपी। हेलो राधे श्याम जी, नमस्कार। नमस्कार राधे श्याम जी। आदरणीय शेखर जी, आदरणीय अर्चना जी, नमस्कार। आदरणीय गुलाटी साहब, हेलो राधे श्याम जी।
आप सभी को राधे श्याम भारती का यथोचित प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आदरणीय शेखर जी, अर्चना जी, मैं जब इस शो में आया था डॉक्टर साहब तो 72 साल का था, और ऐसा अपनापन दिया है आप लोगों ने, 22 साल का हो गया। देखिए कुछ चीजें जो देखने में तो खराब लगती हैं डॉक्टर साहब, मगर होती है अच्छाई। मगर ये जो नोक झोंक है डॉक्टर साहब रोज रोज की मियां बीबी की तू तू मैं कह रहा हूं आदरणीय शेखर जी, अर्चना जी, कि ये देश के हित में है। देहात शहर कस्बा यहां या वहां रहते, बीबी मियां लड़ते ही हैं चाहे जहां रहते। अरे हम रोज झगड़ते हैं तब 135 करोड़, हम प्यार से रहते तो बताओ कहां रहते। सर, बड़ी व्यस्तताओं में हम लोग जी रहे हैं, हर आदमी व्यस्त है साहब, हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती। आप भी व्यस्त रहते हो तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा। साहब हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती, हैं व्यस्त बहुत काम से फुर्सत नहीं मिलती। बीबी है घर गृहस्थ हैं, लड़के भी चार हैं, साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं। ये गंदी बात है, पता मेरे को, मैं समझ गया। ये जमाना कहां था, देखते ही देखते कहां से कहां निकल गया। पहले का प्यार जीवन भर का होता था, आजकल का प्यार जवानी भर का भी नहीं ब्रेकअप भर का होता है। वाह वाह। पहले लैला के प्यार में दीवाना होकर मजनू ने बरसों तक सहा था संताप, अब गली गली में मजनू के बाप। क्या प्यार है, क्या प्यार है इलू इलू। जनवरी में आई लव यू, फरवरी में आई लीव यू, मार्च खत्म होते होते आई विल किल यू। शेखर जी, अर्चना जी, अरे तब क्या था, अब तो कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर हाय। भैंस घुसे या भैंसा इसमें बन के निकलेगा। तब आदमी थोड़े में संतुष्ट था, चैन की नींद सोता था, अब सोने की चैन पहनता है, रात भर करवट बदलता है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं कवि हूं, व्यंगकार हूं, समाज में जो कुरीतियां दिखाई देती हैं, विकार दिखाई देते हैं, उस पर व्यंग करता हूं। आजकल हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब पढ़े, पढ़े और जंप मार कर आगे बढ़े, बढ़े और डायरेक्ट पैसे के पेड़ पर चढ़े। इसे देखते हुए शहर कस्बा गांव बाजार चारों तरफ बड़े जोर शोर से होने लगा है शिक्षा का प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार के इस कार्य में सब जी जान से जुट गए हैं, एकदम तुल गए हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले विश्वविद्यालय खुल गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अध्यापक रेगुलर क्लास लें तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा, तो फिर कोचिंग क्लास में कौन पढ़ेगा। शर्मा जी इसलिए रेगुलर क्लास नहीं लेते क्योंकि वर्मा जी भी तो नहीं लेते। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था, गुप्ता जी पिछले 6 महीने से यही एक ताजमहल वाला पाठ पढ़ा रहे हैं। गुप्ता जी मानते हैं कि बच्चे ताजमहल के बारे में कुछ नहीं जानते, बच्चे भी जान गए हैं कि गुप्ता जी ताजमहल के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे अब वो जमाना गया जब सामने से मास्टर साहब को आता हुआ देखकर लड़के छुप जाते थे, अब मास्टर जी खुद छुप जाते हैं। कोई भरोसा है
किए होनहार, कब कैसा बर्ताव करने लगे, कब क्या बोल दें, बच कर ना रहे तो गुरु जी की धोती खोल दे। अब ये अंगूठा कटाने वाले नहीं, अंगूठा दिखाने वाले एकलव्य हैं। मौका मिलते ही गुरुदक्षिणा अदा कर देते हैं। चार लड़कों के बीच में फंस जाएं तो गुरुजी को द्रौपदी बना देते हैं। हमारी राजनैतिक पार्टियां छात्र संघों के चुनाव में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। छात्रों को राजनीति के गुर सिखाती हैं। ठीक भी है। ये छात्र विश्वविद्यालय में हाथ नहीं आजमाएंगे तो कल को कैसे विधानसभा में जूता चलाएंगे। अब कोर्स में न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, बस यहीं तक तो है। दृष्टिकोण कहां पढ़ाया जाता है? तो ये नौजवान पढ़ लिख कर जैसा करने लगते हैं बर्ताव, उसमें नहीं है कोई ताज्जुब की बात, क्योंकि अब कोर्स में कहां पढ़ाया जाता है श्रवण कुमार का पाठ। यही कारण है कि इकलौता बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर किसी बड़े शहर के किसी बड़े होटल में किसी कन्या कटीली के साथ डिनर उड़ाता है। इधर आईसीयू में भर्ती बूढ़ा बाप राह तकते तकते मर जाता। आज की ये शिक्षा लोक मंगल का भाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ बटोरने का दांव सिखा रही है, जीवन के रस को सिखा रही है। आंखों की ज्योत कही जाने वाली शिक्षा अब तो बस अंधा बना रही है। बहुत। बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आपने राधेश्याम जी। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोहब्बत का मकसद सिर्फ पा लेना होता तो श्याम सिर्फ श्याम होते, राधे श्याम नहीं होते। वाह, क्या बात। आप ये बताइए कि मैं 22 साल के नौजवान से बात कर रहा हूं या 72 साल के बुजुर्ग से। मेरे ख्याल से मेरे सामने जो आपकी एनर्जी दिखी है वो एक 22 साल के नौजवान की है, शायद इससे भी कम। लेकिन आपकी सोच में एक बुजुर्गियत थी, एक ठहराव था, एक गहराई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। जो आज सीख जो हमें दी है उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, आपने तजुर्बे, एक्सपीरियंस और नॉलेज के लेंस के थ्रू जो आपने दुनिया देखी है, आपने वही हमारे सामने यहाँ पर बयां की है। कहते हैं सच्ची कला वो होती है जो समाज को आईना दिखाती है, हमें आईना दिखाती है, आपने वो आईना आज हमें दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। राधेश्याम जी, मैं सवेरे तक सुन सकता हूँ ये जो बातें आपने की हैं। मैं आप मुझको सुन सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। मैं आपको पप्पी कर सकता हूँ प्लीज? पप्पी कर सकता हूँ यार, यू नो व्हाई? जैसे आप कनेक्ट करते हैं ना अपनी बातों को एक मैसेज से, जी व्यंग करते हैं आप, उसी तरह मैं भी अपनी मेडिकल रिसर्च को कनेक्ट करता हूँ। किसके साथ? आम आदमी के यूसेज से। हाँ। जैसे घर की सफाई के लिए आप गरारे कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप गरारे करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे आपको जाले दिख जाएंगे ऊपर, यू नो, आप उसको साफ करेंगे। और टॉयलेट में आप मोबाइल नहीं देके जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा वही काम जो आप 20 मिनट में कर रहे थे 5 मिनट में कर रहे हैं। ये मेरी रिसर्च का सारा हिस्सा। राधेश्याम जी, इतना मजा आया, और आपको मैं हग आज के एक्ट के लिए नहीं करने आया, जो आपने शराब पे सुनाया था ना, है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना, लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर। लूट गया मैं, शराब पे सुनाया था, मैं लूट गया। आज डॉक्टर साहब को गुलाटी मारने दीजिए।
सारे शराबी भाइयों के लिए आपने जो नींव पत्थर डाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे शराब पीता नहीं, जिस दिन मेरा मूड खराब होता है मैं उस दिन पीता हूँ। अच्छा। रोज शाम को 8-9 बजे मेरा मूड खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ मैं होटल में ठहरा था, मैं होटल की रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा 102 नंबर की चाबी दे दो, कहते 102 में तो कोई ठहरा हुआ, मैंने कहा मैं ही ठहरा था, शराब पी के खिड़की से नीचे गिर गया था। इतना मजा आता है मुझे वो शराबी वाली कविता सुन के। अदर श्याम जी, आई एम योर फैन, आई लव यू। अच्छा सुशील जी, आपने सारे में ऐसे ऐसे किया, ये हिंदी के कितने शब्द आपको समझ में आए? व्हाट इज सकारात्मक, व्हाट इज दृष्टिकोण, दृष्टिकोण जिन्होंने कहा जो त्रिकोण, वो आपके दृष्टि में जब कौन आते वो दृष्टिकोण हो जाता है। मेरी दृष्टि में तो आपको पता है कौन आते हैं। हेलो मुझे लंगड़ी खेलना है आपके साथ। डॉक्टर गुलाटी, आपने पुराने लोगों को भूल गया क्या? हाँ, वो एक एक्ट था, रियलिटी कुछ और है। वो एक एक्ट था। Well, let's give it up for Radhe Shyam Bharti one more time, ladies and gentlemen. कानपुर में एक फेमस डायलॉग है, एक कंटा मारेंगे तो एक तप्पा खाकर गिरोगे, लेकिन हमारे हैंडसम पांडे जी जब पंच मारेंगे तो आप हंस हंस कर कुर्सी से नीचे गिरेंगे। प्लीज वेलकम हेमंत पांडे फ्रॉम कानपुर। शेखर जी बहुत बढ़िया लग रहा है आप, बहुत स्मार्ट है, एक तो आप सेलिब्रिटी हैं तो स्मार्ट तो लगेंगे। कितने लोग आप पे ऊपर मरते होंगे। सर एक हम है जो कुंठा से मरे जा रहे हैं। सही बता रहा हूँ सर, कितने गिफ्ट आपके आते होंगे। और वैलेंटाइन डे में इतने गिफ्ट आते होंगे कि सर खुद नहीं गिन पाते हैं। हमने एक बार एक लड़की से कहा अपने बॉयफ्रेंडों के यहाँ लोग इतने सारे गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे लिए भिजवा दो। सर उसने हमारे यहाँ पुलिस भिजवा दी। सही बता रहा हूँ सर। अर्चना मैं आपको बताऊँ, अगर हम किसी लड़की से कह दें कि हमें तुमसे मिलना है, तो जवाब पता है क्या आता है? तुझसे मिलेगी मेरी जूती। और अगर शेखर जी कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते, तो जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में होगा वो राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अर्चना जी हमने सबक दिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि चार छह हराम खोर उसका आंसू पूछने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो सर हम हो गए हैं सीनियर आशिक, इतने बार रिजेक्ट हुए हैं तो हम सीनियर आशिक हो गए हैं। तो हमारे जूनियर आशिक ने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने कहा ऐसा सोच समझ के हमको जवाब दे देना। कल उसके चार भाई जवाब देने गए थे, आज डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है। कुल मिला के मैम वो हमारा काम 35 करके चली गई। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे काम 35, काम 35 का मतलब होता है किसी को निपटा देना। अब सीधा उदाहरण ये समझ लीजिए, अर्चना जी ने कई जजों का किया काम 35। जब से अर्चना जी ने काम लोगों का 35 किया है, सबसे ज्यादा सतर्क है शेखर जी। न साले से खतरा है, न साली से खतरा है, इनको बिल्कुल नहीं आजकल ठोको ताली से खतरा है। जब से नई वाली ने निपटाया है पुराने जजों को, तब से शेखर जी को बगल वाली से खतरा है। तो मैडम आप काम 35 का मतलब समझ गई होंगी। समझ गए, हमारे यहाँ यूज होता है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, काम 35, चिकाई, भोकाल, लफाज, ये सब कुछ हमारे यहाँ बहुत हिट है। अब चिकाई होती है हमारे कानपुर में, अक्सर एक दूसरे से लोग कहते हैं गुरु ऐसा चिकाई ना करना, कहते चिकाई चिकाई में तुमने ये कर दिया। चिकाई का मतलब होता है कि मौज लेना, किसी की मौज ले ली भले थोड़ा बहुत उसको बुरा लग जाए। अच्छा, अब हमारे जब ट्रेन आना होता है तो हरी बत्ती जलती है, उसका संकेत होता है कि ट्रेन आ सकती है। अब हमारे कानपुर के लुंडे वो चिकाई चिकाई में उसी हरी बत्ती में लाल पन्नी चिपका देते हैं।
फिर वो छुप जाते हैं। अरे फिर जब पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं तो पूछते हैं क्यों भाई काहे किया था ये, हाँ। तो कहा साहब वो चिकाई चिकाई में हुई गया, हाँ। फिर रात भर पुलिस वाले उसके साथ चिकाते हैं, हाँ। ये होता है चिकाई। एक कैरेक्टर सर हमारे यहाँ होता है लफाज, हाँ। लफाज वो लोग होते हैं जो आए बाएं साएं कुछ भी बके, अच्छा। असल में उनके पास अनाप अनाप पैसा होता है, बहुत पैसा उनके पास होता है, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं, तो खाली बैठे रहते हैं, कोई निकल रहा होता है तो लफाजी में उसकी को बेचती, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा। तो लाफ्टर के जब पहले एपिसोड से हम गए तो एक हमारे मुन्ना भैया हैं कानपुर में, बहुत बड़े लफाज है मैडम, उन्होंने उनको बुलाया पांडे यहाँ आओ, हो आए लाफ्टर में, तो हम कहा भैया हो आए, कहने कैसा रहा, अरे हमने कहा बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, कहने कौन कौन था, हमने कहा शेखर जी थे, ये बताओ पांडे तुम्हारे में तोप चली थी कि नहीं, तुम कहने तोप तो नहीं चली थी, तुम तो कहने लगे कहो तो बम ले ही चले, कहने लगे दूसरा कौन, हमने कहा बगल में बैठती है मैं अर्चना पूरन सिंह जी, कहने पांडे सुंदर बहुत है और हस्ती बहुत अच्छा है, एक बार हमारा हेलो बोल देना, हम कहा मुन्ना भैया अर्चना जी को तुम नहीं जानते हो, बहुत खतरनाक है वो, उनकी नई मूवी आ रही है गदर 3, गदर 2 तो वो खुद नहीं आने दे रही है, अब उसमें वो तारा सिंह का रोल कर रही हैं, सनी देओल की जगह, और ये बात जब से अशरफ अली को पता चला है वो पाकिस्तान से दुबई भाग गया है। इसे होता सर। तो मैडम कानपुर के लुंटे बहुत लफाज हैं, तो स्टेटस वो लगाते हैं हम समंदर हैं हमें खामोश रहने दो, जरा सा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे, सर ये वही लुंटे हैं जब बरसात पानी जब भर जाता है तो पैंट घुटने तक चढ़ा लेते हैं, जो भाई ऐसे स्टेटस डालते हैं। अच्छा सर लफाजी लफाजी में अगर कोई सच बोल दे तो आदमी झेल नहीं पाता है, अब मुन्ना भैया से उनकी पत्नी ने कह दिया सुनो तुम जब चले जाते हो ना बाहर हमको बहुत डर लगा रहता है, तो मुन्ना भैया ने कहा पगली काहे डर लगा रहता है हम जल्दी आ जाएंगे, बोले इसी बात का तो डर लगा रहता है। हम लोग तो कानपुर के वहां सर बहुत बड़े बड़े वाले लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब वो भी बहुत बड़े वाले हैं, हमारे शर्मा जी डॉक्टर के ऊपर चढ़ बैठे, कहने लगे डॉक्टर साहब ये जो तुमने 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, ये चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही, कहने लगे अरे यार हम इसको लिख नहीं रहे थे, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे और तुम दवाई समझ रहे हो, कहने तुम्हारे चक्कर में पूरे शहर का परिक्रमा हो गया है, 52 मेडिकल स्टोर हम हो आए हैं, एक कह रहा है कि दवाई खत्म हो गई है कल आना, दूसरा कह रहा है कि इसकी कंपनी बंद हो गई, कहो तो उसका सेप्टीट्यूट दे दें, तीसरा कह रहा है ये ब्लैक में मिलेगी, और चौथा वाला कह रहा है कौन पगलेट इसको लिख के दीस है, ये कोरोना की दवा है, कोरोना जाने कब खत्म हो गया, ऐसे लोग सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले हैं, सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले लोग हैं कि भारत बंद के दौरान एक आदमी चड्डी पहन के सड़क पे आया, हमने उससे पूछा तो उसने कारण बताया हमारा विरोध और प्रदर्शन मिला जुला है, बंद समझो तो बंद, खुला समझो तो खुला है। बच्चे भी हमारे बहुत बड़े वाले हैं, हम तो एक स्कूल में पढ़ाते हैं कानपुर में, तो हमने एक बच्चे से पूछा हमने कहा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा, तो मास्टर उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा, मैंने कहा बेकू मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा, उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं आप जान जाओगे क्या भारी होगा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, ये जो आपने कानपुरिया लहजे में जो भावकाल मचाया है सर, और जो क्या है चिंगाई की है चिंगाई। वो कमाल है, और किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है वहाँ? सर बहुत अच्छा मिल रहा है, कह रहे कानपुर आओ बताते हैं। अच्छा मिल रहा है। हेमंत कॉमेडी में हमेशा कहते हैं कि टाइमिंग की बहुत यू नो इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो पेस आपके मटेरियल की थी द वे यू केप्ट द पेस, हर जोक का टाइमिंग होता है पंच लाइन का टाइमिंग होता है, लेकिन आपने जो पेस लगातार यहाँ पर रखी है वो बहुत ही बढ़िया था, उसने आपके एक्ट को 4 चांद लगाए, और उस 4 चांद लगाने के लिए हम आपको 2 चीजें देना चाहते हैं, तबीयत से खड़े होंगे और बगैर कोई लफाजी किए आपको वो कहेंगे जो हमेशा किसी होनहार प्रतिभाशाली फनकार के लिए हम कहते आए हैं, आप कॉमेडी के होप है और लाफ्टर की तोप है। Congratulations, Hemant Patel.
कानपुर से हैं आप? सर कानपुर से जी। मेरा काम था छोटा सा एक आपसे। इफ यू डोंट माइंड, कानपुर लेदर के लिए फेमस है राइट? जी बिल्कुल। हाँ। जी बहुत लेदर होता है जी। ये बता सकते हैं जूता रैगजीन का या लेदर का? मेरे को कह के बेचा है उसने। तभी मैं कहूँ 150 रुपए में 2 जोड़ी कैसे दे दी उसने मेरे को। चलिए लेट्स हियर इट फॉर वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। क्वार्टर फाइनल में आना आसान नहीं था और सेमीफाइनल में जाना उससे भी टफ है, लेकिन हमारे लाफ्टर सुरमा अलग मिट्टी के बने हैं और रिजल्ट्स मेरे हाथ में हैं। आर यू गाइस रेडी? द फर्स्ट नेम दैट आई एम गोइंग टू अनाउंस, उसने एक सेंचुरी मारी है, प्लीज गिव इट अप फॉर विग्नेश पांडे। और उनके साथ और दो लोगों ने सेंचुरी मारी है, लेट्स हियर इट फॉर हेमंत पांडे एंड जे विजय सचान। राधे श्याम जी, तो आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4 जा रहे हैं आगे और उनमें से एक है आप, क्योंकि आपकी कविता, आपकी जो विद्या है, आपका जो अंदाज है, उसे यहाँ पर नहीं बहुत आगे तक जाना है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आप चारों हमारे साथ हैं और आगे चलकर हमारे साथ ही रहेंगे। वाओ, गिव इट अप फॉर देम लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? चारों लोग आगे जा रहे हैं भाई। आइए इस ब्यूटी के अवसर पर खेलते हैं लंगड़ी। आइए अर्चना जी। हाँ, मैंने कहा तो था कि रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद मशहूर हम लंगड़ी खेलेंगे। लेकिन लंगड़ी खेलने के लिए मैंने मना किया था एक्चुअली। मैंने कहा था हम लंगड़ी नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे छुपन छुपाई। ठीक है, देखिए लंगड़ी खेलते खेलते आपको टांग अड़ा गई। छुपन छुपाई में शेखर जी आपको नहीं पता? नहीं नहीं बिल्कुल अलग मजा है। अच्छा देखो ना, तुम्हारी आंखें होंगी भी और होंगी भी नहीं। ये N99 है। अरे हाँ। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वही तो बांधो। हाँ ऐसे। डॉक्टर मशहूर गुलाटी के लिए तालियां। तालियां। अरे कितने तक काउंटिंग करना है? हाँ कीजिए कीजिए। 7 मैंने पहले कहा था लंगड़ी खेलते खेलते टंगड़ी दे गई। आ जाओ मेरे हाथ में। 5 अरे आ जाओ मेरे हाथ में। हेलो किधर गए सारे? मैं पकड़ के रहूंगा। अर्चना जी, अर्चना जी किधर गए? पकड़ा।